मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, कल की बैठक में, क्योंकि इस वक्त चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो कल की बैठक है, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी योगी सरकार। क्या कुछ हुआ कल बैठक में सुप्रीम कोर्ट ना जाना, अब इसके किस तरह से राजनीतिक और छात्रों के भविष्य से जुड़े क्या मायने निकाले? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है, उसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा और इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, ये तमाम सारे अधिकारियों के साथ मौजूद थे। और उस पूरी बैठक में मुख्यमंत्री को अभी तक का जो भी डेवलपमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हुआ है, उस पूरे मामले से अवगत करवाया गया है। देर शाम जो सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई थी, उस लिहाज से ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को अभी तक कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, क्या कुछ सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि फिलहाल, यानी उस बैठक में सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी। ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कही गई है कि आरक्षण का लाभ जिस भी वर्ग को मिलना चाहिए, उस आरक्षण सीमा के तहत, मानक के तहत उसको दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि कोई भी अपने आरक्षण के लाभ से वंचित ना रह जाए। यानी कि कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है कि एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए सरकार की तरफ से, अगर आरक्षण की उसमें कुछ विसंगतियां हैं तो एक नई मेरिट लिस्ट भी जारी करने के लिए संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसको दे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्ट में अपील की थी, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे भी बातचीत कर ली जाए कि आखिरकार उनकी आपत्तियां क्या हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर राजनीतिक तौर पर इसके मायने को आप समझने की कोशिश कीजिए, तो चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव हो जहां पर संविधान बचाओ आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ऐसा एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से, और उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश के आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसमें भी ये नैरेटिव कहीं विपक्ष के लिए कामयाब साबित ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखा गया है। राजनीतिक तौर पर यह भी देखा गया है कि इस आरक्षण के मुद्दे को कहीं बहुत ज्यादा तूल ना दे दी जाए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभ्यर्थियों के आरक्षण के मामले को लेकर सबसे पहले अनुप्रिया पटेल, जो कि एनडीए की सहयोगी हैं, उनकी तरफ से एक पत्र सरकार को लिखा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद आरक्षण के तमाम सारे मामले को लेकर, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे निषाद हो, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के मुखिया हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी लगातार ये बात कही गई कि आरक्षण से किसी को भी वंचित ना रखा जाए, जिनको जो लाभ मिला है उनको वो दिया जाए। तो राजनीतिक तौर पर सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि इस मामले को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाए विपक्ष और उसका नुकसान बीजेपी को हो जाए। ये तो इसके राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि 69,000 शिक्षक में आपको ध्यान होगा कि 19,000 ऐसे पद है जिसमें आरक्षण को लेकर मुख्य तौर पर आपत्ति दाखिल की गई है, और यह कहा गया है कि SC ST और OBC को उतना आरक्षण नहीं मिल पाया जितना उनको नियमानुसार मिलना चाहिए। तो अभी फिलहाल विधिक राय सरकार की तरफ से ली गई है, उसमें यह भी देखा जा रहा है कि कोर्ट की अगली प्रोसीडिंग के दौरान सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा, और इस दौरान अगर मेरिट जारी की जाती है तो उसके लिए भी बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल रविवार का दिन था, कल भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोला गया था, वहां पर तमाम सारे अधिकारी अपने सारे जो कागजात हैं, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया कोर्ट के भीतर, वो तमाम सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करते रहे। और देर शाम जब मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्तुतीकरण किया गया, तो उसके बाद ये तय कर लिया गया है कि फिलहाल हाईकोर्ट के ठीक है। अब मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, क्योंकि